श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। हमारी वृत्ति सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वास्तव में वृत्ति किसको कहते हैं? मान लीजिए, जब हम मुरली सुनने के लिए बैठते हैं तो हमारे बाह्य मन में कुछ संकल्प चलते हैं, लेकिन उस समय साथ साथ जो सुसुप्त मन होता है उसमें कुछ और संकल्प होने लगते हैं। तो सुसुप्त मन का कनेक्शन हमारी वृत्ति के साथ होता है। और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हमारा सुसुप्त मन जागृत अवस्था में होता है। तो अमृत वेले हमें विशेष अभ्यास करना है कि हमारे सुसुप्त मन में ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को संग्रहित करें, श्रेष्ठ विचारधारा चलती रहे। इसके लिए अमृत वेला पावरफुल करना जरूरी है, लेकिन शक्तिशाली अमृत वेला करने के लिए रात्रि को सोना कैसे सोना है ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। हमारी सोने की विधि यथार्थ होना चाहिए। एक बार बाबा ने कहा था कि सोने की विधि ये है कि सारे दिन की दिनचर्या बाबा को बता दो और कोई सूक्ष्म बोझ है वो भी सूक्ष्म बोझ बाबा को दे दो। मन बुद्धि को एकदम हल्का करके विश्राम करो। अगर चाहे तो उस समय थोड़ा सा मुरली का चिंतन भी कर सकते हैं, फिर बाबा की गोदी में हमें सोना है। इससे विधि पूर्वक अगर हम सोते हैं तो दूसरे दिन हमारा अमृत वेला बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इस अभ्यास से हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है, जिससे हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनती जाती है।